अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारे लोगों के फोन कॉल दस्तियाब हुए हैं। लोगों का एक जैसा सवाल है, जिसकी वजह से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं उन सवालों के जवाब एक वीडियो के जरिए से आप लोगों तक पहुंचा दूं। लोगों के सवाल ये हैं कि जब हमने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कंप्लेन नहीं किया, किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी और अदालत में नहीं गए हैं, तो हम लोगों के मामलात में ताखिर क्यों, और हम लोगों का कोर्ट कचहरियों से क्या लेना देना है। लोगों का ये सवाल है, और लोगों का ये सवाल है कि नया हीरा ग्रुप का बिजनेस जो है, हीरा गोल्ड ट्रेडिंग, इसमें मुझे क्यों नहीं शामिल कर दिया जाता है। तो ये लास्ट सवाल जो है कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में लोगों को शामिल क्यों नहीं कर दिया जाता है, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा की अपने फैसले और उनकी जिम्मेदारी का मामला है कि वो इसमें शामिल करेंगे या लोगों के उनके पैसे दे करके उनका खुलासा करेंगे। लेकिन जो ये लोगों ने सवाल उठाया है कि जब हमने कंप्लेन नहीं किया है तो हमारा कोर्ट कचहरियों से क्या लेना देना है, उन लोगों को फोन कॉल्स पर मैंने समझाने की कोशिश करते हुए मैंने बताया है, और एक बार फिर से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एजेंसियों का, दुश्मनों का और तमाम तरह से लोगों का जब हमला हुआ और आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा को आजमाइश में डाला गया, उस वक्त आपने देखा कि तमाम तरह से मामला कोर्ट कचहरियों में एजेंसियों के जरिए से, पुलिस अहलकारों के जरिए से पहुंचाया गया। कहीं ईडी थी तो कहीं एसएफआईओ थी तो कहीं पुलिस अहलकार थे, वगैरह वगैरह तमाम लोग थे। बड़ी तसल्ली से समझने वाली बात है कि वहां से लोअर कोर्ट से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फतेह हासिल हुई। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज गई हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फतेह मिली और फैसले सुनाए गए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन है, तमाम तरह से इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जो भी एफआईआर किए गए हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसी चलाई गई है, जो भी साजिशें चलाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मंशा है और तमाम तरह से इसको तोड़ने की कोशिश है। लिहाजा जब हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला आ गया, वहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। किसने अप्रोच किया? आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने, उन लोगों के जवाब में जो एजेंसियां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ लगी हुई थी, और यह शिकायत दर्ज की कि मेरे खिलाफ ये एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अहलकार पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारे लोगों के पैसे लोग लूट लेना चाहते हैं, मेरी कंपनी को बंद करा देना चाहते हैं, लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ फराहम करे कि हम लोगों के पैसे दे लें, हम हमारी कंपनी को चला लें, हम जिस तरह से मुल्क में अपनी योगदान, अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे थे, उस तरह से अदा कर लें। कौन गया? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसके लिए गई? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख किसके लिए गई? उन लोगों के लिए जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया था। तो अब यहां समझ लेने वाली बात यह है कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जाकर के ये गुहार लगाई कि हमारे इन्वेस्टरों के पैसे लोग लूट लेने के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी कंपनी को जो कि एक मईशत है और मुल्क में एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है, उसको रोक देने और बर्बाद कर देने के कगार पर लोग लगे हुए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ फराहम करे ताकि हम लोगों के साथ अपनी कंपनी को चला सकें। लिहाजा आप नहीं गए बेशक, लेकिन आपकी जानिब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सीईओ सुप्रीम कोर्ट में गए ये गुहार लगाते हुए, ये अपील करते हुए कि हमारे पैसे जो है वो लोग हमारी जमीनों पर, हमारी कंपनी पर पूरी तरह से तसल्लुत हासिल कर लेना चाह रहे हैं और हमारी तमाम चीजों को वो लूट घसूट करके बर्बाद कर देना चाहते हैं और लोगों के सरमायाकारों के यानी कि इन्वेस्टरों के पैसों को ले लेना चाहते हैं, लोगों की ऐसी मंशा दिखाई देती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ, कंपनी के साथ और सरमायाकारों के साथ इंसाफ का बोलबाला करते हुए इंसाफ कायम करे। लिहाजा ये सवाल आप लोगों का पूछना कि हम नहीं गए हैं तो हमारा कोर्ट के चीजें से क्या लेना देना, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से आपकी कंपनी, आपकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, आपके पैसों को बचाने के लिए जो लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी और साजिश फैलाई थी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए, उन लोगों से पैसे बचाने के लिए आप लोगों की तरफ से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गई हैं। अब खुलासे कलाम के तौर पर यह मामला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ नहीं जाता है, तमाम तरह की लिस्ट, तमाम सरमायाकारों की लिस्ट, चाहे वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, सब लोगों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। अब रही बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग कायम हैं और जो लोग खड़े हैं, उनके लिए उनके पैसे सुप्रीम कोर्ट आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में सौंप देगी जिस दिन ये मामला तय हो जाता है और जो ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं, ऑर्डर पर अमल करने की जरूरत है, अमल कराने की जरूरत है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब चंद्रचूड़ जी के अगुवाई में, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि पिछले डेढ़ महीनों से मामला हर हफ्ते में दो बार एक बार सुना गया है, तो इसी तेजी के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 7 जुलाई को दोबारा ओपन होगी तो उसी तेजी से चलते हुए ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर पर अमल कराने की जरूरत है। और सब लोगों को पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ जी इस पर अमल कराने में कामयाबी हासिल करेंगे। रह गई बात नॉन कंप्लेनरों की, मैंने बता दिया कि जैसे ही यह मामला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में उनकी प्रॉपर्टीज को सौंप देता है या किसी एक प्रॉपर्टी को बेच करके हीरा ग्रुप के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, सारे लोगों के पैसे अदा हो जाएंगे। लेकिन रह गई बात उन लोगों के पैसों की जिन लोगों ने कंप्लेन किया है या किसी तरह से डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया है, उनके पैसे उनके डिपार्टमेंट में भेजे जाएंगे। अब उसमें से लेने देने का, उनसे जवाब तलब करने का, कंपनी के जवाब तलब करने का, यानी कि कंपनी ये इल्जाम जिन लोगों ने लगाया है कि हमारे साथ चीट हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, उन तमाम चीजों की शफाफियत का वो लोग जवाब देंगे जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी या डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन सबसे बड़ी शफाफियत और हकानियत की बात यह है कि ऑर्डर मिल चुके हैं, आपको यकीन है कि डेटा मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इनको SFIO दिलाए। जमीन के फरोख्त के लिए एक जमीन जो कि 641 करोड़ रुपए की जमीन है उसको बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो जमीन का तायुन हुआ, ये चीज आप लोगों के सामने है। अकाउंट को ओपन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह से हुक्म दिया, उसको भी आप लोगों ने देखा हुआ है। कंपनी को चलने के लिए हुक्म दिया है। इस तरह से तमाम तरह के अहकाम, तमाम तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में आ चुके हैं। बस अब जिस तेजी के साथ चल रही है, दुआ कीजिए कि उस तेजी के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसको पाए तकमील तक पहुंचाए। जैसा कि अभी पिछले दिनों में एक डेढ़ महीने पहले जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि जितने भी ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको हमारे सामने लाया जाए, तो इससे ये चीज बिल्कुल वाज़ह और साबित हो जाता है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा 7 जुलाई के बाद उस पर सख्ती से फैसला, उस फैसले पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी और तेजी के साथ उस पर अमल होगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से भी। और मुमकिन है कि अभी एक प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हवाले किया है या उसको फरोख्त करके लोगों को पैसे देने के लिए कहा है, मुमकिन है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में मामला और भी कुछ ज्यादा हो, 84 प्रॉपर्टीज में से कम 4-5-10 प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके लोगों के पैसे अदा करने की का एक और ऑर्डर आ जाए, बहुत कुछ इम्कान है क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तौर पर हक पर है, हकानियत पर है। लिहाजा लोग जो ये सवाल करते हैं कि हम कोर्ट कचहरी में नहीं गए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की जानिब से कंपनी गई है, आप लोगों की तरफ से कंपनी लड़ रही है, तमाम अजियतें, तमाम तकलीफ और तमाम नुकसान आपकी तरफ से कंपनी बर्दाश्त कर रही है। आपसे कोई नफीस लिया जा रहा है, न ही आपसे किसी चीज का तकाजा किया जा रहा है, हर एक चीज कंपनी अपने कंधों पर बर्दाश्त कर रही है और आइंदा भी आपसे किसी भी तरह का कोई नुकसान जो कुछ भी हुआ है उसका कोई आपके पूरे के पूरे पैसे, पूरे के पूरे प्रॉफिट जो भी कुछ हिसाब में आते हैं वो सब आप तक पहुंचाए देंगे। इस दरमियान में प्रॉपर्टीज को सेटलमेंट का जो एक आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना था उस पर भी तेजी से काम चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर कार्रवाई मुकम्मल होगी और वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जिसको जहां का भी जमीन रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो तेलंगाना में, चाहे कर्नाटका में, चाहे समझिए कि दूसरे रियासतों में, आप लोग उस पर लिंक भर के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं और अपने अमाउंट के बदले में प्रॉपर्टीज को सेटलमेंट के तौर पर ले सकते हैं। ऐसा बहुत जल्द होने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ कीजिए कि इन तमाम कार्रवाइयों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुरखरोई अनायत हो और जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट जब खुले तो तमाम अहकाम पर तेजी से अमल दरामद हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।